विहार में अपनी 2 साल की बेटी को लेकर मायके आई हुई माँ के सामने से खेलते खेलते बच्ची अचानक से गायब हो गई। 11 दिन बीत जाने के बाद भी मासूम बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। शक के तौर पर पास से गुजरने वाली नहर में भी NDRF और परिजन तलाश कर चुके हैं। बेटी के अचानक गुम हो जाने की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस में भी दी है, मगर पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा पाई। 2 साल की बेटी को खोकर माँ का बुरा हाल है और परिजन भी परेशान है। बच्ची का पता बताने वाले व्यक्ति को 50,000 नकद पुरस्कार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से करीब आधा दर्जन बच्चे गायब हैं, जिसमें कई बेटियां भी शामिल हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये मासूम 2 साल की बच्ची है, जो अपनी माँ से करीब 11 दिन पहले जुदा हो गई। बेटी के अचानक गायब हो जाने से माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बिन बेटी के माँ ना तो सो पा रही है और ना ही खा पा रही है। परिजन भी लगातार चारों ओर इस बच्ची की तलाश में जुटे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा। दरअसल पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बल्लभगढ़ ऊंचा गाँव में रहने वाली एक माँ अपनी 2 साल की बेटी को लेकर सेक्टर 30 श्रमिक विहार अपने मायके आई थी, जहाँ बाहर शाम के करीब 5:30 बजे दूध गर्म कर रही थी और बेटी उसी की आंखों के सामने दरवाजे के बाहर गली में खेल रही थी। खेलते खेलते बच्ची अचानक से गायब हो गई और जिस खिलौने से वो बच्ची खेल रही थी वह खिलौना पास ही में गुजरने वाली नहर में मिला, जिससे परिजनों को शक हुआ कि कहीं बेटी खेलते खेलते नहर में तो नहीं गिर गई। जिस पर उन्होंने NDRF की सहायता से नहर में बच्ची को खूब खोजा, लेकिन बेटी नहर में नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में बेटी के गायब होने की FIR दर्ज कराई। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक एक माँ की नन्ही सी बेटी को खोजने में नाकाम रही। बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके चलते परिजनों ने बच्ची का पता बताने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा भी कर डाली है। मैं वहीं पर मतलब कुछ काम कर रही थी, दूध रख रही थी गर्म करने के लिए, वहाँ पे बच्ची बैठ के खेल रही थी, तो मैंने कुछ देर बाद देखा बच्ची वहाँ पे नहीं, अपनी मम्मी के गई थी, मम्मी के यहाँ पे 10 मिनट बाद मैंने देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी, वो बोतल से खेल रही थी, तो मैंने उसको देखा तो बोतल नहर में थी। नहीं, नहर से तो काफ़ी इधर है, पर वहीं पे खेलती थी बच्ची, थोड़ी नहर से इधर। 2 साल की उम्र है, बस हमारी बच्ची मिल जाए। और वहीं बेटी के ताऊ ने बताया कि वह लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हैं। वहां से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि वह बच्ची को खोज रहे हैं, उन्हें अभी तक किसी पर कोई शक भी नहीं है। राहुल 2 साल की लड़की है मेरे भाई की, छोटे की जी। वो आज 11वां दिन है, 11 दिन से लापता है। पुलिस प्रशासन को हमने शिकायत दे रखी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और झूठे दिलासे दे के भेज देते हैं हमको। आज 11वां दिन है, ना कोई और NGO, ना कोई पुलिस प्रशासन। ये अपने मामा के यहाँ से हुई है, फरीदाबाद सेक्टर 30 श्रमिक बिहार, मकान नंबर 604। नहीं नहीं, वो पूरी NDRF की टीम और बाकी गोताखोरों के साथ ढूंढ ली है, अगर वहाँ पे होती तो मिलती। हाँ, लापता है बच्चा, सब यही बोल रहे हैं कि अगर नहर में गिरती बच्ची कहीं ना कहीं तो मिलती। प्रशासन झूठे दिलासे दे देता है कि बच्ची नहर में है, यहाँ पे नहीं है, किसी ने उठाई नहीं है, लापता है, ये है वो है, 2-4 बातें बोल के भेज देते हमको। मैं सभी भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को भी ये बच्ची दिखे तुरंत कॉन्टैक्ट करे, सभी मीडिया बंधु व सभी साथी, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ इनाम रखा हुआ है 50,000 रुपये। रिया नागर है, पिता का नाम रोहित नागर, वाइट कलर का फ्रॉक पहन रखा है, सैंडल पहन रखी है, एक वो पहन रखा है ओम का वो लॉकेट। वहीं इस घटना से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए बच्ची के ताऊ ने बताया कि उन्हें पता चला है कि फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से करीब आधा दर्जन बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें अधिकतर बेटी।